आकर्षण का नियम। इस दुनिया में हर एक मनुष्य धनवान होना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, अपने घर में कभी क्लेश नहीं चाहता, सुख और समाधानी से अपना जीवन बिताना चाहता है। किंतु क्या सच में यह हासिल हो पाता है? क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम हमारे कामों में सफल नहीं हो पाते? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला जो हर एक मनुष्य के अंदर होती है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर होती है। जरूरत है बस उसे समझने की। हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, किंतु जरूरत है बस उसे समझने की। तो आखिर ये आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? आइए एक कहानी के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। अनमोल ने बड़ी मेहनत से अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया था, किंतु कुछ ही सालों बाद उसे कारोबार में घाटा होने लगा। बढ़ते बढ़ते घाटा इतना हो गया कि वह पूरा कंगाल हो चुका था, रास्ते पर आ गया था। वो कुछ भी करने जाता उसका पूरा उल्टा हो जाता। इसी वजह से अनमोल बहुत दुखी रहने लगा। घर जाता तो घर में क्लेश के ही कारण पैदा हो जाते। इसी वजह से अनमोल बड़ा परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ये क्या चल रहा है। इसके चलते वो कई ज्ञानी बाबाओं के पास गया और इस परेशानी का सुझाव मांगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कई दिनों बाद वहां एक गुरु आए। अब मरता क्या न करता। गुरु को आते देख अनमोल उनके पास गया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बड़ा परेशान हूं। कुछ भी काम करने जाता हूं उसका उल्टा ही हो जाता है। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, आप ही मेरी आखिरी आशा हो। कृपया आप मेरी इस परेशानी का सुझाव दीजिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में एक से एक बढ़कर दुखी है। तुम्हारा दुख कितना बड़ा है? अनमोल ने कहा, गुरुवर, मुझे लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, क्योंकि ना ही किसी काम में मुझे जीत हासिल होती है और ना ही मेरे घर परिवार में कोई शांतता है। इससे ज्यादा दुख एक व्यक्ति के जीवन में और क्या हो सकता है? कृपया गुरुवर, मुझे कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसके सुनते ही या जिसके पढ़ते ही मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अनमोल ने कहा, कोई बात नहीं गुरुवर, इस दुखों के निवारण के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अब इन दुखों से ज्यादा कठिन और क्या हो सकता है? इनके निवारण के लिए तो मैं दहकते अंगारों पर भी चलूं। गुरु ने कहा, तुम्हें अंगारों पर चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं एक मंत्र दूंगा, तुम्हें बस वह दोहराते हुए घर तक चले जाना है। अनमोल ने कहा, कोई बात नहीं गुरुवर, बता दीजिए, मैं अवश्य करूंगा। गुरु ने कहा, अब तुम्हें बस यही बात दोहरानी है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हूं। मेरे पास कोई दुख नहीं है, ना ही मुझे कोई परेशानी है। बस यही मंत्र है जो तुम्हें घर तक दोहराते हुए जाना है। अनमोल ने जैसे ही गुरु की बात सुनी, उसके चेहरे पर मानो मुस्कान सी आ गई थी। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चलने लगा। गुरु ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, तुमने बस आधी ही बात सुनी है। अनमोल ने कहा, और क्या गुरुवर? गुरु ने कहा, तुम जब यह मंत्र दोहराओगे तो तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है। यह मंत्र दोहराते वक्त तुम्हारे मन में कभी बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। उनकी बात सुनकर अनमोल बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने गुरु से कहा, यह क्या गुरुवर, मेरे मन में आज तक बेवजह बंदर का ख्याल आया ही नहीं, तो फिर आज क्यों आएगा? गुरु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अगर तुम्हारे मन में बंदर की बात आ जाती है, बंदर का ख्याल तक भी आ जाता है, तो तुम्हारा यह मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। अनमोल ने कहा, ठीक है गुरुवर, यह तो मैं आसानी से कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना कहकर वह घर की ओर चल पड़ा। अब वह घर के रास्ते से
मैं सुखी हूँ ऐसा कहते हुए चला जा रहा था। लेकिन जब भी वह मैं सुखी हूँ कहता तो उसके मन में वो गुरु की बंदर वाली बात आ जाती। लेकिन फिर भी वह कहता मैं सुखी हूँ, किंतु फिर भी उसके मन में वह बंदर वाली बात गहरी ही होती जा रही थी। ऐसा करते करते वो आगे चलता रहा, लेकिन उसने देखा कि उसे रास्ते में ही बंदर दिखने शुरू हो गए थे। फिर भी वह आगे बढ़ता चला गया, लेकिन वह देख रहा था कि उसके चारों ओर बंदर ही बंदर उसे दिखाई दे रहे हैं। अनमोल बड़ा परेशान हो गया। वो सोच रहा था कि आते वक्त तो मुझे एक भी बंदर नहीं दिखाई दे रहा था, तो अब इतने सारे बंदर कहां से आ गए, ऐसा क्यों? फिर भी वह अपने मन ही मन मैं सुखी हूं कहता हुआ अपने घर पर पहुंच गया। आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, बंदरिया मैं बहुत भूखा हूं, बंदर परोस दो। अपने मुख से बंदर शब्द को निकलता देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो सोच रहा था, आज से पहले बेवजह इन बंदरों का ख्याल मेरे मन में कभी आया तो नहीं, लेकिन आज इतनी गहराइयों में बंदर की सोच मेरे मन पर हावी क्यों होने लगी है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर क्यों नजर आने लगे हैं? वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुरु की तरफ भागा दौड़ा चला गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने गुरु से कहा, हे गुरुवर, ये क्या हो गया? मुझे तो अब हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि मेरे मन में बंदर का ख्याल तक नहीं आना चाहिए, लेकिन बंदर तो अब मेरी जुबान पर ही बैठ गया है। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया गुरुदेव। गुरु ने कहा, मंत्र तो तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसका उपयोग करना सीखना है। अनमोल ने कहा, किंतु गुरुदेव मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को समझो, उसके बाद वो मंत्र अवश्य ही काम करेगा। अनमोल ने कहा, गुरुदेव कृपया आप शीघ्र बताइए, मैं समझने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, समझने के लिए बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि उस वक्त तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। यह बात सुनकर अनमोल गुरु के चरणों में फिर से गिर पड़ा और उसने कहा, गुरुवर यह मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो मुझे आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहा है। वो देखो गुरुवर कितने मजे से बैठकर वो पेड़ पर केला खा रहा है। अनमोल की बात सुनकर गुरुवर जोरों से हंस पड़े। उन्होंने कहा, हमारा मन ही हमारा मंत्र है, हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के भीतर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुम्हें बंदर नहीं दिखाई पड़े होंगे, और अगर पड़े भी होंगे तो तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ नहीं गया होगा और उनका ख्याल तुम्हारे मन में नहीं आया होगा। लेकिन यहां से जाते वक्त जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हारे मन की गहराइयों में गया ही नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारी जुबान पर ही था, और जिस ख्याल के बारे में मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हारे मन की गहराइयों में उतर चुका था, इसलिए तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि तुम उस चीज से बचना चाहते थे। इसी वजह तुम्हारे मन की गहराइयों में वो चला गया, और इसी वजह जहां बंदर भी नहीं थे वही भी तुम्हें बंदर ही दिखाई पड़ रहे थे, और वजह यही है कि तुमने अपनी पत्नी को भी बंदरिया कहा। इसलिए तुम्हें इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूं, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा ज्यादा ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीजें कम ही क्यों ना हो। और जिसके मन में ही दुख है उसके पास चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो वह फिर भी दुखी ही रहेगा। इसलिए तुम अपने मन में जैसी धारणा बनाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। जैसे तुमने अपने मन में बंदर बिठा लिया, अब तुम्हें समझ आया होगा कि तुम्हें इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है। अनमोल ने कहा, हाँ गुरुदेव मैं समझ गया, हम जो हमेशा सोचते हैं वैसा ही हमारे मन में हमेशा बैठा रहता है। आपने जो मंत्र दिया था वह तो बस मेरी जुबान पर ही बैठा रहा, मेरी मन की गहराइयों में तो गया ही नहीं। इसी तरह मैं सुख की खोज करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में दुख ही दुख है जो घर करके बैठा है। इसी वजह से मुझे सुख की प्राप्ति हो ही नहीं रही, और वजह यही है कि मेरे सभी बने बनाए काम भी बिगड़ रहे हैं, सभी काम
उल्टे ही हो रहे हैं। वास्तव में जो भी काम हम कर रहे हैं एक साधना की तरह है, इसलिए सभी काम हमें सच्चे मन से ही करने चाहिए, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। अगर मन में धारणा ही गलत हो तो उसका फल भी गलत ही मिलेगा। और अनमोल ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। दोस्तों, हमारे पास दो तरह के विचार होते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक। हम हमेशा अपने विचारों से ही हमारी दुनिया बसाते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में सदा सकारात्मक चीजें ही अपनाएं। हमारे मन में कभी नकारात्मक विचार आने ही नहीं पाए। आप देखोगे कि इसके फल स्वरूप आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, और जो हम चाहते हैं उसे मिलने में हमें देर नहीं लगेगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।